देखिए, हर चीज अगर आप फेथ की बुनियाद पे करते जाएंगे तो ये संविधान के फंडामेंटल राइट के, संविधान के प्रियाम्बल के खिलाफ है। आप खाना भी अगर फेथ की बुनियाद पर बिकेगा, कौन क्या बेचेगा फेथ की बुनियाद पर अगर फैसला होगा, तो फिर क्या ये मुल्क कोई थियोलॉजिकल कंट्री हो गया है क्या? जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ है, जिसमें साफ तौर पर सबको मालूम कि इस मुल्क का कोई फेथ नहीं है, ये मुल्क सब फेथ को मानता भी है, जो नहीं मानता उनको ही मानता है। और अगर मैं किसी दुकान से तरकारी खरीदता हूं, या मच्छी खरीदता हूं, या मटन खरीदता हूं, या बीफ खरीदता हूं, और जो इलीगल नहीं है, और मैं अपने घर में पका के खाता हूं, तो आपको तो मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं ना खाने के लिए, मैं तो अपने घर ले जाकर उसको पका के खा रहा हूं। तो आप बोले ने हमारा ये हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है, तो मंगलवार को आप दुकान बंद कर दीजिए। ये कहां पर लिखा हुआ है? किसने अख्तियार दिया आपको? चलिए गवर्नमेंट हॉलीडे है, गांधी जयंती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे समझ सकते, गवर्नमेंट हॉलीडे है, मगर कुछ नहीं, वहां ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आप दुकान बंद कर दीजिए, आप गोश्त नहीं बेचेंगे। आप कौन होते हैं भाई? मेरे घर में क्या पकेगा? मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो लूंगा, मैं जो मेरी मर्जी है, पसंद है, मैं उसको लूंगा, पकाऊंगा, घर में खाऊंगा। और आप बोल रहे नहीं, फे बिलीफ है, फेथ है, ये कहां से आ रहा है फेथ बिलीफ? क्या इस देश को आप बिलीफ के ऊपर चलाएंगे या संविधान पे चलाएंगे? अगर ये देश बिलीफ पर चलेगा तो फिर संविधान क्यों है? निकाल दीजिए संविधान, खत्म कर दीजिए संविधान को। आप फिर एक मजाक बनाकर रखे हैं कि आप लोग, आप सत्ता में है तो सत्ता में है तो आपका बिलीफ है, फेथ है। अगर अगर यही बाप का फेथ और बिलीफ है तो मेरा भी फेथ है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं ठीक है, आप फ्राइडे के दिन शराब की दुकान बंद कर दीजिए, शराब बेचिए मत। आप एक मजाक बनाकर रखे हैं भाई, आप कैसे देश को आगे लेकर जाएंगे? अच्छा फिर ये क्यों कानून नहीं बनाते वो गुरुग्राम में कि भाई जितने हमारे गुरुग्राम में 5 स्टार हैं वो गोश्त नहीं बेचेंगे? बनाइए ना, चलिए बोल दीजिए पूरे 5 स्टार होटल में गोश्त नहीं बिकेगा, कोई सर्व नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो खूबसूरती है, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी प्लुरलिज्म को खत्म करके इस देश को एक थ्योरोक्रेटिक कंट्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। भाई मेरा ये प्राइवेट राइट है मेरा, मैं अपने घर में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा उससे आपको क्या, आप क्यों मुंडी झांक रहे हो उसमें, डाल रहे हैं अपना सर झांक रहे हैं मेरे घर में? ये सरासर गलत फैसला लिया गया है, और इसी तरह के फैसले हर जगह पर शुरू हो जाएंगे। आपने कर्नाटका में बीफ बैन लगा दिया, 1.5 लाख से ज्यादा कुरैश बरादरी के लोग बेरोजगार हो गए। अरे भाई बीफ बैन लगाने से उसमें क्या, ये वो किस बुनियाद पे किया गया? तो इस तरह से हर तरीके से लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, इकोनॉमिकली उनको हर्ट किया जा रहा है, बिलीफ के नाम पर, फेथ के नाम पर। और इससे नफरत बढ़ेगी देश में, नफरत बढ़ेगी देश में, उन लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी जो मटन खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके खिलाफ आप हेटरेट बढ़ाएंगे, और कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है हरियाणा में और देश में है, वो देश को संविधान से चलाए और उस फैसले को रोके फौरन, इमीडिएटली इसको वापस ले जाना चाहिए। आप क्यों, पर पूरी इकोनॉमी डाउन है, और क्या सिर्फ गोश्त बेचने वाले से मुसलमान है, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं है क्या? उनके पेट पे क्यों लात मार रहे हैं आप? जी उनका एक जो नुकसान होगा उस दिन क्या करेंगे उसके लिए? आप क्या खाएंगे? वो उनका दुकान का किराया देना है, उनके 10 एक्सपेंडिचर है, नौकरी तो दे नहीं पाई सरकार। मिडिल क्लास जो भारत में था वो अब पुअर हो चुका है, डेटा आ चुका है। अरे
ऐसे माहौल में इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट शहर है हमारे कंट्री का गुरुग्राम, वहां पर जहां पर बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, 5-स्टार होटल्स हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर है, वहां पर इस तरह का वाहियात किस्म का फैसला ले लिया गया। इसको हम कंडेम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करते हैं कि वो फौरन इस डिसीजन को वापिस ले। पर सर आपने ऐसा क्यों कहा कि फ्राइडे के दिन शराब? मैंने एक आपको ये कहा कि अगर आप फेथ की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ट्यूसडे के दिन कोई मटन चिकन नहीं बिकेगा, तो फिर मेरा फेथ क्या है? फिर मेरा फेथ नहीं है, मैं क्या बराबर का शहरी नहीं हूं एज एन इंडियन मुस्लिम? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका फेथ मेरे फेथ से बढ़कर है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से मुझे नहीं है? इसीलिए मैंने क्वेश्चन रेस किया है, अगर आपका फेथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरा फेथ भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बिलीफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सबका बिलीफ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, खाली आपका एक का बिलीफ कैसा इंपॉर्टेंट होगा? संविधान में तो सब बराबर है ना, कोई संविधान तो ये नहीं कहता कि ये मजहब का ये बिलीफ वाला भारत का नंबर वन सिटीजन है और दूसरा नंबर टू सिटीजन है। यही तो मैसेज दिया जा रहा है सब चीजों से।